हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म फैमिलीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इससे पहले मैं एक वीडियो एंजियोस्पर्म फैमिलीज की ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें हमने फोर फैमिलीज को कवर किया था। इस वीडियो में भी हम फोर फैमिलीज को कवर करेंगे। सो जो भी फैमिलीज इस वीडियो में कवर की जा रही है उनका हम मॉर्फोलॉजी, फ्लोरल फॉर्मूला और कॉमन प्लांट्स के ऊपर फोकस करेंगे। जब भी हम एंजियोस्पर्म फैमिलीज को देखते हैं, कि नो डाउट जब भी हम एंजियोस्पर्म फैमिलीज का जिस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग से लिखते हैं कैलिक्स कोरोला कैसे होंगे, एंड्रोशियम कैसे होंगे, गाइनोशियम कैसे होंगे, देन एट लास्ट हम फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। इस वीडियो में मैं जिस तरह से कवर कर रही हूँ आपको एक तरह से मॉर्फोलॉजी बता रही हूँ, जो भी प्लांट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, कॉमन प्लांट्स किस फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, हम एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमें फ्लावर से आइडिया लग जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं, जो एक एक्सेप्शन उस फैमिली की होती है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरा, फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर भी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो फ्लोरल फॉर्मूला से मैक्सिमम जो एक्सेप्शन होती हैं, किस तरह की पेटल है, किस तरह के सेपल्स हैं, किस तरह से एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है मेनली फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम से। इसलिए इस वीडियो में मैं यही चीज़ें कवर कर रही हूँ ताकि अगर कोई कॉमन क्वेश्चन इन फैमिली से बनता हो तो आप उसको गलत ना करें। बहुत सारे जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे एंट्रेंस की बात करें बॉटनी में, चाहे कोई कॉलेज कैडर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम दिए जाते हैं, या फिर सेट की बात करें, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि कॉमन फैमिली में जो एक्सेप्शन केसेस हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर कौन सा प्लांट किस फैमिली को इन्वॉल्व कर किस फैमिली में इंक्लूड होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। आज की इस वीडियो में जो हम फैमिली कवर करेंगे, इसमें हमारे पास ऑर्डर लेगुमिनेल्स होता है, और ऑर्डर लेगुमिनेल्स के अंदर जो फैमिली होती है उनको हम कवर करेंगे, जिनमें आती है सिजलपिनेसी, पेप्लिनेसी और मिमोसेसी फैमिली। हमने ये मैक्सिमम टाइम जो होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है वो पढ़ी होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली और फेवेसी फैमिली हम इसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर जो होता है वो लेग्यूमिनेल्स होता है। इसके अंदर तीन फैमिलीज आती है, सिजलपिनेसी, कैसिया अमलतास जिसमें मेन होता है, देन पेप्लिनेसी, पी की फैमिली जिसको हम कहते हैं, पेप्लिनेसी में जो मटर हमारा होता है कॉमनली, पी फैमिली, जो फैमिली का नाम दिया जा रहा है उनके कॉमन प्लांट पे दिया जा रहा है इसलिए पी फैमिली, केसिया अमलतास की फैमिली, म्यूमोसेसी जो होती है वो अकेशिया की फैमिली रहती है। सो ये कॉमन जो प्लांट है वो है, और इस तरह से ऑर्डर लेग्यूमिनेल्स को जो है तीन फैमिलीज में डिवाइड किया गया होता है। अब हम लेग्यूमिनेसी और फैवेसी फैमिली क्यों कहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि फैवेसी का मतलब होता है फैवा, ये लिया गया है फैवा वर्ड से, फैवा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वीन्स, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट होते हैं, अगर आपको मटर का ध्यान हो, पी का याद हो, तो पी का जो हमारे पास फ्रूट होता है वो इस तरह से होता है, मटर की जो हमारे पास होता है पॉड की फॉर्म में, इस तरह से बीन्स की फॉर्म में, सो इस वजह से जो है फैबिसी फैमिली कहा जाता है, जिसके अंदर बीन्स जो होता है एज अ फ्रूट प्रेजेंट होता है। सो ये जो है हमारा नाम था, देन लेग्यूमिनेसी भी इसी फैमिली को कहा जाता है, लेग्यूमिनेसी का मतलब है जिसके पास लेग्यूम है, ये ओल्ड नेम था और ये जो है अभी न्यू नेम है फैबिसी, लेग्यूमिनेसी भी इसी को कहते हैं, फैबिसी भी इसी को कहते हैं, इस बेसिस के ऊपर कि फैबिसी मतलब बीन्स और लेग्यूम्स मतलब लेग्यूम्स, इसको ही इसी फ्रूट को जो है वो लेग्यूम्स कहा जाता है। फ्रूट की जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लेग्यूम्स जो होते हैं वो इस तरह के फ्रूट होते हैं, और वो जो है मेनली पी फैमिली या फिर हम बोलते हैं ऑर्डर लेग्यूमिनेल्स में जो है वो पाए जाते हैं। सो इस बेसिस पे इनका नाम जो है फैबेसी और लेग्यूमिनेसी भी कहा जाता है। उसके अलावा हम कवर करेंगे आज की वीडियो में रोजेसी फैमिली, रोज फैमिली जिसको कहते हैं, जिसके अंदर रोज जो है वो मेनली इंक्लूड है, गुलाब का जो फूल है वो इंक्लूड किया गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लेग्यूमिनेल से। सबसे पहले फैमिली हम जो कवर कर रहे हैं वो है सिजलपिनेसी फैमिली, यानी कि कैसिया अमलतास की फैमिली। ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, पिक जो देख रहे हो, ये कैसिया की है, कैसिया प्लांट है, अमलतास जिसको कहते हैं। सो ये इसका कॉमन जो है वो फ्लावर है, आप इसके देख सकते हो, और इनके जो बीन्स होते हैं मतलब यहाँ पे देखो लेग्यूम्स हैं, यहाँ पे इनके फ्रूट किस फॉर्म है, लेग्यूम्स की फॉर्म है, इस तरह से, जिस तरह से मटर के होते हैं वैसे ही, जैसे पी के होते हैं वैसे लेग्यूम्स,
पॉड फॉर्म में जो इसके फ्रूट है, इसी वजह से सारे लेग्यूम्स में आते हैं। जिनके भी ऐसे आपको दिखेंगे इस तरह से इनके फ्रूट दिखेंगे, वो सारे जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक है लेग्यूमिनेस ऑर्डर में इन सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली में सबको इंक्लूड करने का, कि इनके जो फ्रूट होते हैं वो लेग्यूम और पॉड फॉर्म में होते हैं। सो ये हमारी कौन सी है, केसिया अमलदास की फैमिली है। देन उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, कचनार का ये फूल है, बोइनिया वेरीगाटा। कचनार का जो फूल होता है वो भी इसी फैमिली में आता है। कौन सी फैमिली में, सिजलपिनेसी फैमिली में। और किस रीजन की वजह से आता है, बोहिनिया की चाहे आप कचनार की बात करो, एक और होता है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और हिमाचल में कॉमनली जो होता है उसके जब हमारे यहाँ खाना बनता है तो धाम वगैरह होती है, वहां पे पत्ते जो है वो यूज किए जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो जो थे टॉर बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में। बोहिनिया वैली जिसका नाम होता है, बोहिनिया बैरिगेटा कचनार का होता है, बोहिनिया वैली जो होता है उसका नाम होता है स्पीसीज। सो उसके भी जो होते हैं आपने देखा होगा पॉड प्रेजेंट होता है, इस तरह से लेग्यूम्स और पॉड होते हैं। यही मेन रीजन है कि इन सबको जो है लेग्यूमिनेस में इंक्लूड किया गया है। सो आप देखो कॉमन प्लांट कौन से है, सिजलपिनिया कॉमन प्लांट, केसिया अमलथास जिसको कहते हैं, डेलोनिक्स गुलमोहर जिसको कहते हैं, वोहिनिया बैरिगेटा कचना, वोहिनिया वैली टॉर, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा टेमेरिंडस इंडिका इमली, इमली अगर आपने देखी हो फ्रूट देखा हो इमली का, तो इस तरह से होता है इमली का फ्रूट इस तरह से, तो वो भी पॉड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से इमली का जो है वो फ्रूट होता है और ये पॉड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, इस वजह से सारे जो है वो सिजलपिनेसी फैमिली में इंक्लूड किए गए होते हैं। तो अगर आपको कभी भी दिखे ऐसे पॉड वाली, वो मेनली लेग्यूमिनेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं वो प्लांट्स। अब देखो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आता है देखो कैल्सी फ्लोरे डिस्की फ्लोरे कौन से वाले ऑर्डर में इंक्लूड किया गया, कौन सी फैमिली में इंक्लूड किया गया, ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है। सो आप देखो इसको फेनीरोगैमे में इंक्लूड किया गया है। फेनीरोगैमे मतलब कि जिसके ऑर्गन्स जो है वो हम देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। फेनीरोगैमे में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को इंक्लूड किया गया था, बाकी जो थे क्रिप्टोगैमे में थे फंजाई एल्गी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स, ये सारे जो है वो हिडन सेक्स ऑर्गन्स इनके रहते हैं, तो इसलिए वो फेनीरोगैमे में नहीं क्रिप्टोगैमे में आते हैं। सो यहाँ पे देखो फेनीरोगैमे देन डाइकॉट देन पॉलीपैटले और उसके बाद कैलिसी फ्लोरे एंड देन रोजेल्स में इसको इंक्लूड किया गया था, और सीजर पिनेडी एंग्लर एंड प्रेंटल ने फिर इसके आर्किक्लेमाइडा रोजेल्स और लेग्यूमिनेसी में इंक्लूड किया, और लिग्नेसी हटचिंसन ने ऑब्वियसली जो श्रब्स हैं उनको लिग्नेसी में इंक्लूड किया था, या फिर हम बोल सकते हैं हर्बेसी में इंक्लूड किया था। इस तरह से उन्होंने हर्ब्स को हर्बेसी में इंक्लूड किया था, कुछ चीजें जो इस तरह से कह रही थी, तो इनको जो लिग्नेसी में इंक्लूड किया गया। लेग्यूमिनेस सिजलपिनेसी फैमिली में ये आते हैं, ये क्लासिफिकेशन है। कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कैल्सीफ्लोरे में कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड है, डिस्कीफ्लोरे में कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, उस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा केसिया फिस्टुला का जो है वो डिस्क्रिप्शन है। अब हम जो है वो प्लांट जो भी हमारे पास थे उनके अलग अलग तरह से डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फर्क जो है वो रहता है फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम में। जो कॉमन प्लांट हमने पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा केसिया फिस्टुला अमलतास जिसको कहते हैं, आप देख लो अमलतास इसको कहते हैं, और इसकी फ्लोरल डायग्राम जो है वो इस तरह से रहती है। ये प्लांट है आपने अभी देखा फ्लावरिंग ट्री, एंड देन ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया गया है फ्लावर का, ओव्यूल जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉड फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो उसके अंदर ओव्यूल इस तरह से जो है एक तरफ को अटैच होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है। ओवरी का जब सेक्शन करते हैं तो सिंगल ओव्यूल वहां पे प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो फ्लोरल डायग्राम है केसिया फिस्टुला की। बाहर वाली स्ट्रक्चर हमारे पास कैलिक्स को बताती है, देन कोरोला, और ये हमारे पास जो है वो एंड्रोशियम है, एंड देन फर्दर ये जो है हमारे पास ओवरी की स्ट्रक्चर गाइनोशियम जो है वो शो करता है। अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो फ्लोरल फॉर्मूला इस तरह से रहेगा इस फैमिली का, ब्रैक्टेट होता है, देन ये जो साइन है ये जाइगोमॉर्फिक को शो करता है। जाइगोमॉर्फिक को मतलब है सिर्फ एक ही पार्ट से जो है हम इसको सेंटर से जब लाइन पास करेंगे सिर्फ एक एंगल से हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस तरह से होता है इसका मतलब है कि किसी भी एंगल से लाइन को पास करेंगे तो फ्लावर जो है इक्वल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और इसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो जो भी लेग्यूमिनल्स फैमिली में मेनली जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ही होते हैं।
ये आपने ध्यान रखना है, कभी कभी जो है वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं वो कौन सी फैमिली में इंक्लूड होते हैं। सो लेग्यूमिनेसेस में मेनली जाइगोमॉर्फिक ही रहते हैं सारे। कैलिक्स 5 है, करोला 5 है, एंड्रोशियम 7+3 है और गाइनोशियम 1 है, और पोबरी जो है वो सुपीरियर है। देन उसके बाद ये हमारे पास है ये टैमरिंडिस इंडिका का, टैमरिंडिस इंडिका यानी इमली की स्ट्रक्चर है, इमली का फ्लोरल फॉर्मूला है। सो सेम बाकी चीजें तो सेम रहेगी, वो भी इसी तरह से रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में आप देख सकते हो कैलिक्स 4 हो गए, करोला 3+2 हो गया, एंड्रोशियम 3+4 हो गया, गाइनोशियम 1 है, सुपीरियर हो गया। मेन जो है वो इस तरह से आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि केशिया की जो फैमिली है, एक तो वो जाइगोमॉर्फिक रहेगा, ये मेन करेक्टर रहता है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है लेग्यूम्स इसमें रहते हैं, ये मेन करेक्टर होता है। देन आप देखो ये बोइनिया बैरिगेटा का स्ट्रक्चर है, बोइनिया बैरिगेटा का फ्लोरल डायग्राम है, कचनार जिसको हम कहते हैं, तो इसके फ्लोरल फॉर्मूला को देख लो, जाइगोमॉर्फिक, बाकी चीजें चेंज हो जाती है, गाइनोशियम एक ही रहेगा, सुपीरियर रहेगा, एंड्रोशियम का कैलिक्स और करोला जो है वो चेंज होते रहते हैं, इसको आप देख सकते हो। बाकी इसी तरह से रहेगा, मेन चीज है जाइगोमॉर्फिक, इसका जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लावर वो जाइगोमॉर्फिक होता है। देन एक और करेक्टर जो इम्पोर्टेंट रहता है, सिजल पिनेसी फैमिली का ही ये करेक्टर है, वो है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड अगर पूछे कभी भी किस फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज प्रेजेंट इन द सिजल पिनेसी फैमिली। और स्टेमिनोड कहते हैं स्ट्राइल एंथर को, यानी कि उस केस में जो एंथर है वो फर्टाइल नहीं है, वो स्ट्राइल है, वो पोलन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनमें स्टरिलिटी है। तो स्ट्राइल एंथर को कहते हैं, टर्म क्या यूज करते हैं इसके लिए, स्टेमिनोड। और ये किस फैमिली में प्रेजेंट है, सिजल पिनिस में, ये हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फैमिली का, स्टेमिनोड सिजल पिनिसी फैमिली। सो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अब हम फैमिली पढ़ने जा रहे हैं पेपलिनेसी, पी फैमिली जिसको कहते हैं। ये आपने पी का जो है वो इस तरह से आपने देखा होगा, प्लांट देखा होगा पी का। सो यहाँ पे स्टिप्यूल होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो स्टिप्यूल जो होते हैं वो लीफ स्टिप्यूल होते हैं मेनली। ये पेपलिनेसी जो पी है हमारा पाइसम से टाइप है, उसका जो है करेक्टरिस्टिक्स है। सो रूट्स पे ट्यूबल होते हैं क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली है, यहाँ पे जो है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए और जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। देन सीड आप देख सकते हो इसके अंदर प्रेजेंट है, पॉड यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेग्यूम और पॉड फ्रूट में, ये टेंड्रिल है हमारे पास। देन हमारे पास लीफ है, टेंड्रिल जो है वो लीफ टेंड्रिल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ टेंड्रिल की मैं बात कर रही थी। देन यहाँ पे फ्लावर होते हैं, फ्लावर ये आपने देख लिए देखे होंगे, पी की स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉमन प्लांट जो है इस फैमिली के पाइसम सटाइबम यानी पी और ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन रहता है, ये इसके कॉमन जो है वो प्लांट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कोई सचेस चेंज नहीं है, ये कैलिसी फ्लोरे में इंक्लूडेड है सारे लेग्यूमिनेसी पेपलिनेटी, पेपलिनेसी फैमिली और अर्किनुलेटी रोजेस लिग्नेसी लेग्यूमिनेस, इस तरह से आप देख सकते हो, यही इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है सीजल पिनिसी से कंपेयर करें अगर। तो अब देखो मेन चीज जो पेप्लिनेसी फैमिली है, इसका नाम पेप्लिनेसी जो है मेनली इसकी जो पेटल्स है उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया गया है। ये जो पेटल है वो इस तरह से अरेंज होती है और इसी वजह से इसको कभी कभी हम जो है वो जो पेटल की स्ट्रक्चर होते हैं उसको पेप्लिनेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसी वजह से इस फैमिली का नाम ही पेप्लिनेसी जो है वो रखा गया है। जब हम पैटर्न्स देखते हैं तो पैटर्न इस तरह से जो वो डिवाइडेड होती है, ये जो है सबसे पोस्टीरियर, इसको क्या कहेंगे पोस्टीरियर, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है पोस्टीरियर कौन सी है, पोस्टीरियर को कहते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न। फिर उसके बाद टू पिंग होते हैं, एंटीरियर टू स्टैंडर्ड, देन दो जो होती है कील होती है, कील इन स्ट्रक्चर को कहते हैं करोला ओपन कील, और कैरिना भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है मेनली इस स्ट्रक्चर की वजह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पेप्लिनेसी फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी स्ट्रक्चर की वजह से। अब देखो स्टैंडर्ड को एक और नाम दिया जाता है वेक्सिलम, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, और बिंग को जो है वो एक और नाम दिया जाता है एले, और कील को नाम दिया जाता है कैरिना। ये पोस्टीरियर मोस्ट है और ये एंटीरियर मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी जो है वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होती है पेटल्स की इन द केस ऑफ पेप्लिनेसी और पी की फैमिली में। इस तरह से जो है ये अरेंज होती है, पोस्टीरियर एंटीरियर स्टैंडर्ड वेक्सिलम विंग और एले, एक ही नाम, मतलब विंग को ही एले कहते हैं, स्टैंडर्ड को ही वेक्सिलम कहते हैं और कील को ही कैरिना कहते हैं।
इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखो मार्जिनल प्लेसेंटेशन ये तो सब में रहती है, पॉर्स वाली स्ट्रक्चर जिसमें भी है मार्जिनल प्लेसेंटेशन रहेगी, सुपीरियर ओवरी रहेगी, ये मेन चीज है। अब देखो फ्लोरल डायग्राम ये रही हमारे पास पाइसम की और ये प्रोटोलेरिया की। पाइसम की फ्लोरल डायग्राम आप देख सकते हो, पेटल्स के अकॉर्डिंग देखो इसको डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास जो है सबसे पीछे वाली जो थी वो क्या थी, स्टैंडर्ड वेक्सिलम, ये दो कील है, और ये जो है हमारे पास कील और कैरिना, और ये दो जो है एले और विंग, और ये हमारे पास जो है एंथर की स्ट्रक्चर है। अंदर जो है एक सिंगल गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, और इस तरह से हमारे कैलिक्स जो है वो रेंज रहते हैं। ये हमारे पास जो है वो पेटल की स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो मेनली जो इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं पेपलिनेसी फैमिली। अब देखो फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे, जाइगोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक रहता ही है लेग्मिनल्स में जितने भी फैमिली है, देन बाइसेक्सुअल है क्योंकि दोनों जो ऑर्गन है एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर के अंदर है, कैलिक्स 5 है। क्रोलर की अरेंजमेंट देखो यहाँ पे 1+2+2 लिखी हुई है, स्टैंडर्ड 1 विंग 2 कील 2, इसलिए इस अरेंजमेंट को 1+2+2 जो है वो कहा गया है इस तरह से। और यहाँ पे जब भी हम लोग इस तरह से 2 को देखो, 2 को ऐसे कवर किया गया, इसका मतलब है कि ये दोनों फ्यूज हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखो ये क्या है, फ्यूज्ड है। इस तरह से आप देखो ये हमारी पेटल है, और ये लास्ट वाली जो पेटल है वो फ्यूज्ड है, इसको क्या कहते हैं, कील और कैरिना। दूसरी चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में देखो 9+1 के अरेंजमेंट बताई है, पहले गाइनोशियम देख लो सुपीरियर है, 9+1 के अरेंजमेंट का मतलब है डाई अडल्फस कंडीशन, 9+1 इसका मतलब है कि 9 जो है वो आपस में फ्यूज है और 1 जो है वो फ्री है। ये देखो 1 फ्री है स्टेमन और 9 जो है वो आपस में फ्यूज है, इसलिए इसको कहते हैं 9+1 अरेंजमेंट। और डायडल्फस कंडीशन यानी कि 2 ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे स्टेमन जो है वो अरेंज है। और यही कंडीशन हमने पहले एक फैमिली और में पढ़ी है, रुटेसी फैमिली में जो सिट्रस फैमिली है उसमें हमने पढ़ी है पॉली अडल्फस कंडीशन। पॉली अडल्फस कंडीशन क्यों, क्योंकि उसमें जो है स्टेमन ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 2 के ग्रुप में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और यही एक और कंडीशन हमने पढ़ी है मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली को उसमें क्या है, मोनोडल्फस कंडीशन है, यानी कि सारे के सारे स्टेमन जो थे वो एक ही इस तरह से अरेंज थे, वो इस तरह से एक ही उसके ऊपर जो है वो एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो अरेंज रहते। सो ये कंडीशंस होती हैं डायडल्फस किस केस में, पेपलिनेसी फैमिली में, पॉलीडल्फस सिट्रस फैमिली, रुटेसी फैमिली में, मोनोडल्फस मालवेसी फैमिली में। सो ये डायडल्फस का मतलब है 2 ग्रुप के अंदर, और 9 जब 9 के ऊपर इस तरह से अरेंज किया गया, ब्रैकेट लगाया गया, तो मतलब है फ्यूजन, 9 फ्यूज है 1 जो है वो फ्री है, ये इस तरह से जो है वो फॉर्मूला बनाया जाता है। इसलिए आपको और कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं होती है, फ्लोरल डायग्राम देखो, फ्लोरल फॉर्मूला देखो, फैमिली की सारी चीजें जो है आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह से। अब देखो कोरोला की अरेंजमेंट 1+2+2 है, क्यों है, क्योंकि इसके जो हमारे पास पैटर्न्स हैं वो अरेंज ही इस तरह से, स्टैंडर्ड 1+2+2। और ये याद रखना है ये कौन सी है, ये कंडीशन है पोस्टीरियर, ऊपर वाली पोस्टीरियर सबसे पीछे ये रहती है और सबसे आगे जो है ये वाली रहती है, तो इसको पोस्टीरियर और इसको जो है वो एंटीरियर आप कहेंगे इस तरह से, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। देन ये पॉलीअडल्फस डायडल्फस कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैमिली की। नेक्स्ट हमारी फैमिली आती है मिमोसिसी फैमिली, लेग्यूमिनेज ऑर्डर की है, अकेशिया की फैमिली। मिमोसा पुदीका आपने देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट जिसको हम कहते हैं, ये हमारा कौन सा है, टच मी नॉट प्लांट, और ये हमारे पास कौन सा है, अकेशिया किकर खैर जिसको कहते हैं। सो इस तरह से जो मिमोसी फैमिली की, मिमोसिसी फैमिली की स्ट्रक्चर रहती है। अब इसका फ्लावर आप देख सकते हो किस तरह से है, ये हमारे पास मिमोसिसी फैमिली है। अब देखो मिमोसिसी फैमिली के कॉमन प्लांट है अकेशिया अरबिका, किकर खैर जिसको कहते हैं, नेपचूनिया, मिमोसा पुदीका जिसको हम सेंसिटिव प्लांट, छुए मुई प्लांट जिसको हम कहते हैं, टच मी नॉट भी जिसको बोलते हैं। देन क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे, क्लासिफिकेशन सेम ही है ऑलमोस्ट, पॉलीपेटलिक कैलिसिफ्लोरे रोजेस, मिमोसिडी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, मिमोसिडी और मिमोसिसी हर्चिनसन के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से इनको अरेंज किया गया है। देन हमारे पास ये जो हमारी फैमिली मिमोसिसी फैमिली का मिमोसा पुदीका की ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे। देखो ये हमारे पास फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल फॉर्मूला देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन नहीं होगी किस फैमिली में,
हम बात कर रहे हैं हमारी मिमोसेसी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फी कंडीशन होगी। अभी तक हमने दोनों फैमिली में सिंगलपिनेसी और जो हमारे पास पैपिनेसी थी उसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखी, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक रहेगी, बाइसेक्सुअल ये रहेगा। कैलिक्स की कंडीशन बोले 4 to 5 कैलिक्स रहेगी, फ्यूज रहेंगी ऐसे। कैरेला 4 to 5 करोला भी रहेगा हमारे पास। देन एंड्रोशियम जो है इन्फिनाइट रहते हैं, कोई मतलब ऐसे नंबर नहीं है। देन वन जो है इस तरह से गाइनोशियम रहता है, और सुपीरियर जो है वो ये ओपरी रहती है। सो इस तरह से इसका मेन फॉर्मूला रहता है मिमोसिसी फैमिली का। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक नहीं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। सो ये था हमारे पास पूरा का पूरा लेग्यूमिनेसिस का ऑर्डर, 3 फैमिली हमने इसमें इंक्लूड करी, और मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी जो जिसके ऊपर मेनली क्वेश्चन बन सकते हैं। देन हमारे पास आती है रोजेसी फैमिली, रोजेसी रोज फैमिली। और रोज फैमिली का सबसे मेन, जब भी हम रोज फैमिली जैसी फैमिली देखते सोचते हैं तो हमारे पास सबसे पहला प्लांट कौन सा आता है? रोज, रोजा इंडिका। ठीक है, सबसे पहले प्लांट कौन सा आता है? रोजा इंडिका। सो अब देखो ये रोज के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान रखोगे, रोज के फ्लावर को ध्यान रखोगे, आपके पास फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला खुद ब खुद आप उसका बना सकते हो। इसलिए जब भी हम टैक्सोनॉमी की क्लासेस लगाते हैं, चाहे हम ग्रेजुएशन में लगाए कभी भी, तो हमारे जो टीचर होते हैं वो हमें फ्लावर दिखाते हैं, और फ्लावर के अकॉर्डिंग हम फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। तो हम लोग किस तरह से डिराइव करेंगे वो फ्लावर की वजह से ही ध्यान में होता है। इसलिए हमेशा फ्लावर को ही ध्यान रखना, तब आप उसके जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सही करोगे। अब देखो जब भी रोज फैमिली करते हैं तो रोज ही ध्यान में आता है, लेकिन उसके अलावा कुछ कॉमन प्लांट और भी हैं जो रोजेसी फैमिली में इंक्लूड किए गए हैं। कॉमन प्लांट जो है वो है पायरस मेलस, एप्पल। एप्पल का जो प्लांट है वो रोजेसी फैमिली को इन इन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। देन प्रूनस पर्सिका, आरू पीच जिसको कहते हैं, सो ये भी जो है रोज फैमिली के अंदर आता है। पीच हो गया, एप्रिकोट हो गया, एप्पल हो गया, इवन हमारी नाशपत्ती जिसको हम कहते हैं पायरस कमिनिस, उसका नाम होता है कॉमिनिस, सो नाशपत्ती जिसको कहते हैं, वो सारे जो है वो ये फैमिली किसको इन्वॉल्व होते हैं? रोजेसी फैमिली में आते हैं। सो देखो बहुत ही कॉमन फ्रूट्स भी इस फैमिली में आते हैं, इवन फ्रिगेरिया स्ट्रॉबेरी जिसको कहते हैं वो भी इस फैमिली में आती है। उसकी स्पीसीज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी जिसको कहते हैं, आपने देखी होगी आंखें अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले ब्लैक होते हैं, येलो कलर के होते हैं, सो रूबस की स्पीसीज इस फैमिली को इन्वॉल्व होती है। पोटेंशियला की स्पीसीज होती है, मॉक स्ट्रॉबेरी हमारे पास होती है, सो पोटेंशियला की जितनी स्पीसीज वो सारी रोज फैमिली में आती है। तो ध्यान रखना कि ये सारे जो है वो एप्पल हो गया, आड़ू हो गया, इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के फ्रूट जो है वो पायरस प्रूनस के जो स्पीसीज है सारी की सारी रोज फैमिली में आती है। नेक्स्ट अभी क्लासिफिकेशन है हमारे पास पॉलीपेटले, कैलिसी फ्लोरे, रोजेस रोजेसी, आर्किक्लेमेडी रोजेस रोजेसी, हर्चिनसन ने लिग्नेसी रोजेस और रोजेसी फैमिली में इंक्लूड किया था। मेन आपको इसी पे ध्यान देना होता है, कैलिसी फ्लोरे है, आर्किक्लेमाइडी है, लिग्नेसी है, कैसे कैसे इनको इन्वॉल्व किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन है, कभी कभी क्लासिफिकेशन पे इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फैमिली के वो है बेसल मार्जिनल और एक्साइल जो है इसमें। अगर हम ओबरी की बात करें, जैसे हम पिछली फैमिली में पढ़ रहे थे जो लेग्यूमिनेस ऑर्डर था उसमें मार्जिनल हम प्लेसेंटेशन पढ़ रहे थे, लेकिन इसके अंदर बेसल भी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकती है, एक्साइल भी हो सकती है, अलग अलग तरह की जो प्लेसेंटेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके अकॉर्डिंग रहती है। दूसरा एक और कंडीशन इस फैमिली में रहती है एपिगाइनस और पेरिगाइनस कंडीशन। इस फैमिली में हाइपोगाइनस कंडीशन नहीं होती है, हाइपोगाइनस मतलब कि सुपीरियर होगी। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है? सुपीरियर ओवरी। अब हाइपोगाइनस किस तरह से, ये ओवरी है, हाइपो मीन्स बिलो द ओवरी, सारी चीजें बिलो द ओवरी जो है वो इस तरह से स्टेमन को देखो, पेटल को देखो, कैलिक्स को देखो, बिलो द ओवरी है। पेरिगाइनस फ्लावर्स के मतलब होता है कि एक ही लेवल पे होते हैं, ऊपरी जहाँ पे है वहीं से जो है कैलिक्स करोला और जो भी हमारे एंड्रोशियम है वो राइज होते हैं। पेरिगाइनस का मतलब है कि एपिगाइनस यानी कि जो गाइनोशियम है वो नीचे, एपिगाइनस गाइनस से रिलेट करना इन टर्म्स को, एपी मतलब कि गाइनस, एपिगाइनस गाइनोशियम के ऊपर मतलब सारी चीजें, हाइपोगाइनस मतलब कि गाइनोशियम के नीचे जो है वो सारी चीजें। सो एपिगाइनस का मतलब है कि ओवरी क्या हो गई, हम जब एपिगाइनस बोल रहे हैं कि गाइनोशियम के ऊपर सारी चीजें हैं तो ओवरी क्या होगी? इंफीरियर हो गई, इंफीरियर, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो उसके अब जो है वो राइज कर रही है। इस तरह से आप देख सकते हो ओबरी के ऊपर जो है वो हमारे
सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, अनुश्रम हो गया, राइज करे, तो इसलिए इसको इंफीरियर ओवरी कहते हैं और इसको कहते हैं सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस मतलब कि हाइपोगाइनस गाइनोशियम के पिलो, तो गाइनोशियम के पिलो से अराइज करें सारी चीज। एपिगाइनस, एपिगाइनस मतलब कि गाइनोशियम के ऊपर, गाइनोशियम के ऊपर सारी चीजें, उसका मतलब है गाइनोशियम ऊपर नहीं है, ऐसा मतलब कंफ्यूज मत होना कभी भी। एपिगाइनस का मतलब है गाइनोशियम के ऊपर सारी चीजें, हाइपोगाइनस मतलब कि गाइनोशियम के नीचे सारी चीजें। जब गाइनोशियम के नीचे है तो ओवरी क्या हो गई, सुपीरियर ऊपर हो गई, और जब गाइनोशियम के ऊपर है तो ओवरी क्या हो गई, इंफीरियर। जो रोजेसी फैमिली है उसके अंदर जो है वो एपिगाइनस और पेरिगाइनस कंडीशन रहती है, हाइपोगाइनस नहीं। देन ये हमारे पास फ्लोरल जो भी डायग्राम है पाइरस मेलस की, एप्पल की फ्लोरल डायग्राम है, आप देख सकते हो इसको। हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, ब्रैक्टेट रहता है, एक्टिनोमॉर्फिक रहता है, बाइसेक्शुअल कैलिक्स फाइव होते हैं, करोला फाइव होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों जो है वो इनफिनाइट होते हैं इस केस में, किसी किसी केस में 2 और 5 हो सकते हैं। और देखो यहाँ पे हमेशा जो है वो या तो एपिगाइनस कंडीशन होगी या फिर पेरिगाइनस, और पेरिगाइनस कंडीशन इस तरह से शो करते हैं, यानी कि इन्फीरियर ओवरी, ओवरी जो है वो क्या है, इन्फीरियर। सो इस तरह से एपिगाइनस और पेरिगाइनस कंडीशन, आप कभी भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें भी एग्जाम्पल दिया होता है, जब वो पेरिगाइनस कंडीशन पढ़ते हैं तो प्लम पीच एप्पल इस तरह से एग्जाम्पल होता है। और कुछ जो इन्फीरियर ओवरी के एग्जाम्पल ऑब्वियसली वो एस्ट्रेसी फैमिली में चल जाते हैं, जब हम एस्ट्रेसी फैमिली पढ़ेंगे वो उसका मेन कैरेक्टर है इन्फीरियर ओवरी। लेकिन इस केस में भी हमारे पास हाइपोगाइनस ओवरी नहीं होगी, एपिगाइनस और पेरिगाइनस दोनों हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरिगाइनस होती है, ये ध्यान रखना। प्लम, रोज, पीच, इनमें जो है मेनली पेरिगाइनस जो है वो रहती है ओवरी। तो ये मेन क्वेश्चन होता है, कभी कभी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे मॉर्फोलॉजी में यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं पेरिगाइनस फ्लावर के। सो ये हमारे पास रोजेसी फैमिली थी, आज हमने जो है 4 फैमिलीज को कवर किया। बाकी की जो फैमिली है मैं कुछ और फैमिलीज कवर करूंगी, होप सो जल्दी उसके लिए वीडियो लेके आऊँ, और आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो, जो भी आपके एग्जाम आ रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, होप सो उसमें आप ये हेल्प करें। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है या फिर किसी और तरह मतलब कि आपके मन में डाउट आ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे क्वेरी और डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।